हाँ भैया, इंटर के बाद आपको बड़े लोग रेकमेंड करेंगे, बेटा ये डिग्री कर लो, ये कर लो, इसमें बड़ा पैसा है, इसमें आगे बहुत फ्यूचर है। तो भाई इस टाइम टू ब्रेक दिस सिस्टम। और उन लोगों में से सिर्फ 2% लोग आपको अच्छा गाइड करते हैं, या जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है, या जो ड्रॉप आउट हो चुके होते हैं और उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है कि ये डिग्री यार इस तरह करना चाहिए था मुझे, तो वही लोग आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो भाई आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जिनको आप अप्लाई करके अपने लिए एक अच्छी डिग्री चूज़ कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस आर्ट यूनिवर्सिटीज़ में रहा है, लेकिन ये आप किसी, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी को सर्च करने के लिए या कोई भी डिग्री चूज़ करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट। भैया 99% स्टूडेंट स्टेप को इग्नोर कर देते हैं। लोग ये जरूर रिसर्च करते हैं कि बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर दिस डिग्री, बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर दिस डिग्री, लेकिन कभी ये रिसर्च नहीं करते कि इस डिग्री का रोड मैप क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। और यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोस्पेक्टस देते हैं, लेकिन हम लोग उसको सिर्फ तस्वीरें देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसको फेंक देते हैं। तो उसमें भी किसी डिग्री का रोड मैप, हर डिग्री का रोड मैप लिखा होता है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सेकेंड में क्या पढ़ेंगे, थर्ड में क्या पढ़ेंगे। तो भाई हम लोग ये नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, ये नहीं देखते कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या मैं कर लूँगा। लेकिन वो एक या दो सेमेस्टर के बाद उन्हें पता लगता है कि भाई हमने गलत डिग्री में हाथ डाल ली, तो उसके बाद यहाँ तो वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो भैया इस स्टेप के थ्रू मैंने अपने लिए 3 इंस्टीट्यूट फाइनलाइज़ किए और एक डिग्री चूज़ की सिर्फ BS फिल्म मेकिंग। और मुझे इंटरमीडिएट में ही पता था कि मैंने ये डिग्री करनी, मैंने पहले ही रिसर्च करके रखी हुई थी। स्टेप नंबर 2, अप्लाई। किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए पहले आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, एडमिशन ऑफिस की लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, वहाँ से फॉर्म लेके उसको फिल करना, फिर बैंक में जाकर चालान जमा करवाना, बड़ा लंबा प्रोसीजर था। आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन है। चालान फॉर्म जमा करवाने के बाद 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। आर्ट यूनिवर्सिटीज़ में तो आपके मार्क्स काउंट किए जाते हैं और उसके साथ आपके टेस्ट के और इंटरव्यू के मार्क्स काउंट किए जाते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो मेरिट बेस्ड होती हैं, लेकिन वो एक अलहदा चीज़ है। हमने आर्ट में अप्लाई किया तो हम आर्ट के बारे में बताएंगे। तो भैया चालान फॉर्म जमा करवाने के बाद आपको रोल नंबर स्लिप मिलती है, और रोल नंबर स्लिप मिलने के बाद आपको ईमेल आती है कि आपका किस दिन टेस्ट होना है, और टेस्ट के लिए आपने ऑन कैंपस जाना होता है। उसके बाद आपको एक लाइव स्केच किसी भी चीज़ का बनाना होता है, आपको वो चीज़ दे देते हैं, आपने उसको ड्रॉ करके देना होता है। मेरी जो ड्राइंग आई थी उसमें मुझे अपने विंडो के बाहर का व्यू ड्रॉ करना था, उसके साथ विंडो भी ड्रॉ करनी थी, और उसके बाद उसके बारे में लिखना था कि भाई मुझे बाइक क्या नज़र आता है, क्या सीन है उधर। तो भैया ये टेस्ट मैंने पास किया बगैर किसी प्रेपरेशन के, ये हम आपको वीडियो के एंड पे बताएंगे कि वो हमने कैसे किया। ये हमने रिसर्च भी कर लिया, अप्लाई भी कर लिया, और चालान फॉर्म भी जमा करवा दिया, टेस्ट भी दे दिया। टेस्ट में पास आउट होने के बाद आप की एक और लिस्ट लगती है, उसमें आपका टेस्ट देख के फिर आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है। उसमें अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, आपको फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। तो भैया इंटरव्यू के लिए हमें समन किया गया, तो इंटरव्यू से हम एक दिन पहले ही चले गए थे। अभी ही हम लाहौर की तरफ जाते हुए थोड़ा सा स्टे कर लिया हमने। The next day हमने सोचा कि यार फ्री बैठे हैं, क्यों ना किसी को कॉल की जाए। तो उन दिनों हमारे एक दोस्त लाहौर आए हुए थे, व्यूअर एक रिची रिच, तो मैंने कहा कि हाँ भाई क्या सीन है, उन्होंने कहा भाई सीन ऑन है। तो भाई वो मुझे पिक करने आए और हम वहाँ से गए पहले रिफ्रेशमेंट के लिए। रेडबुल गिव्स यू विंग्स, रेडबुल पी के उड़ना। रिफ्रेशमेंट करने के बाद मुझे ज़िंदगी में पहला सबक मिला कि कभी भी आपने लाहौर गूगल पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि भाई जहाँ से हमने रिफ्रेशमेंट की थी उसके सामने कट था, जहाँ से हमने रोड की दूसरी साइड पे जाना था, लेकिन गूगल ने हमें बेकरी के पीछे से घुमा के और बड़ा लंबा चक्कर लगवा के फिर वो सामने वाले कट से निकाला, दूसरे रोड पर ले गया। जी वाजा साहब चलिए। माल में एंटर होने से पहले
हमें प्रोटिप मिली कि भाई सबसे पहले आपने वाशरूम धोना है, वहाँ पर जाके अपने मुँह धोना है, क्योंकि बाइक पे आए थे और गर्मियों के दिन थे, तो भाई अगर आपने पुरसकून शॉपिंग करनी है उससे पहले आपको रिफ्रेश होना पड़ेगा। ये जब पहली दफ़ा आते हैं और सुखाने वाली मशीन देखते हैं, देखा भाई मैकडोनल्ड वालों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया, ना हवा लेने दिए ठंडी। ये बैड रिव्यू भाजपा साहब, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ज्यादा की गई है ना, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं यार। हम लोग क्या साथ लेके घूमते हैं एक शेक के लिए? इधर ही लगता खड़ा होना पड़ेगा। The next day. और में गर्मी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और अभी हम निकल रहे हैं आईसी के लिए। इंटरव्यू का दिन था तो हम लोग गए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा बच्चों के इंटरव्यूज थे, तो मेरा जो बैच था जिनके साथ मेरा इंटरव्यू था वो सबसे लास्ट पे थे। तो भाई 12 बजे हम लोग यूनिवर्सिटी गए। यूनिवर्सिटी जाने के बाद मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था कि भाई पता नहीं क्या होगा। हमारे साथ हमारे उस्ताद जी गए हुए थे, उन्होंने हमें हौसला दिया, भाई कोई बात नहीं, बस आपने ना इजी होके वहाँ पे जो सवाल करने हैं उन्होंने आप उनका जवाब देना। लेकिन इंटरव्यू वाले रूम में जाने के बाद एक डिफरेंट ही माहौल था। जाते ही मैंने उनसे सलाम ली, उन्होंने कहा बैठे जी, उन्होंने कहा बेटा क्यों करना चाहते हैं आप ये फिल्म मेकिंग क्यों करना चाहते हैं? तो मैंने उनको रीज़न बताई अपनी कि क्यों करना चाहता हूँ मैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि भाई क्या आपने कभी कोई वीडियो बनाई है? मैंने कहा हाँ जी। और उस दिन मुझे अपने वीडियो बनाने पे प्राउड फील हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें मैंने अपनी वीडियोस दिखाई, एक ये और एक हमारा चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज़रूर चेक करें। घर चले गए, बस वेट करना था कि अब हमारा नाम कब आता है लिस्ट में, क्योंकि इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन होती है कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं, उसके बाद फिर आपको फीस चलान दी जाती है। तो भैया उसमें भी हम पास हो गए और हम सिलेक्टेड हो गए। अब आपको एक मज़े की बात बताता हूँ भैया, ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है ना, मैं खामखा डर रहा था, सिर्फ टेस्ट जो है फॉर्मेलिटी के लिए लेते हैं। अगर आपको उन्होंने एक ड्राइंग दी थी जैसे मुझे दी थी विंडो की बनाने की बाहर, कि यार ये विंडो बना के लाओ, तो भैया अगर आप वहाँ पर बॉक्स भी ड्रा करके भेज देना तो आपको पास कर देते हैं। वो उन्होंने टेस्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रखा हुआ है, लेकिन इंटरव्यू एक उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए था, लेकिन उन्होंने एक अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जैसे प्रोफेशनली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में लिया जाता है। तो भैया प्राइवेट में कोई इशू नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो उसमें आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये थी मेरी वो प्रोटिप जो मैंने आपको कहा था कि एंड पे बताएंगे टेस्ट पास करने के लिए।